डीएसएलआर फोटोग्राफी में जो बिगिनर्स होते हैं वो एक मिस्टेक 100% करते हैं एंड उस मिस्टेक की वजह से फोटो ब्लर हो जाती है, यानी कि फोटो शार्प नहीं आती है। तो आज मैं आपको उस मिस्टेक को सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज थर्मेश। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में मैनुअल मोड यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैनुअल मोड को यूज़ करना बहुत ही टफ हो जाता है। स्टार्टिंग में मैं भी मैनुअल मोड यूज़ नहीं करता था। तो स्टार्टिंग में सब अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, प्रोग्रामिंग या तो फुल्ली ऑटो मोड पे काम करते हैं। तो ये सारे मोड डे में या तो आउटडोर में परफेक्ट वर्क करते हैं, लेकिन नाइट में यानी कि लो लाइट कंडीशन में ये मोड परफेक्ट वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फोटो ब्लर हो जाती है। तो ये जो फोटो ब्लर हो जाती है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है एंड उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊँगा। तो लो लाइट कंडीशन में आप दूसरे मोड यूज़ करते हो, यानी कि ये अपर्चर मोड, प्रोग्रामिंग और ये फुल्ली ऑटो, ये सारे सब यूज़ करते हो डायल मोड। तो वहाँ पे क्या होता है कि लो लाइट होने की वजह से शटर स्पीड ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, और शटर स्पीड डाउन हो जाती है तो उसकी वजह से फ़ोटो ब्लर होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपर्चर प्रायोरिटी मोड का यूज़ करूँगा। ये देखिए AV लिखा है, ये अपर्चर प्रायोरिटी मोड है, उसका हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम लाइट को कम कर देते हैं। तो सारे लाइट्स मैंने अभी ऑफ कर दिए हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ। ये देखिए अभी फोकस तो हो गया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि शटर स्पीड यहाँ 8 और 10 के बीच में आ रहा है। देखिए ओके, तो यहाँ पे 10 है, ये देखो 8 और 10 हो रहा है शटर स्पीड। तो इतनी शटर स्पीड में फोटो ब्लर होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो हमें मिनिमम शटर स्पीड 80 या 100 से ज़्यादा ही रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो अब देखते हैं। तो नाइट में या तो लो लाइट कंडीशन में आपको ये मोड यूज़ करना है। यहाँ पर लिखा है TV, यानी कि ये शटर प्रायोरिटी मोड है। तो ये शटर प्रायोरिटी मोड का आपको यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे TV लिखा है, ये मोड आपको नाइट में एंड लो लाइट कंडीशन में यूज़ करना है, क्योंकि शटर प्रायोरिटी मोड में आप शटर स्पीड को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो 1:5 लिखा है ये शटर स्पीड है, तो यहाँ पे हम शटर स्पीड को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो रहा है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे हम शटर स्पीड को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये शटर स्पीड है, तो शटर स्पीड को हमें 80 या 100 के ऊपर ही रखना है। तो पहले हम शटर स्पीड को एडजस्ट करते हैं, अभी हम 100 रखते हैं। तो उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमें परफेक्ट लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, तो ये देखिए लाइव मोड यूज़ करते हैं हम। तो ये देखिए अभी इतनी लाइट नहीं मिल रही है, यानी कि सब्जेक्ट हमें अभी नहीं दिख रहा है। तो लाइट्स को इनक्रीज़ करने के लिए हम ISO का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है 100 लिखा है ये ISO है, तो हमें ISO को इनक्रीज़ करना है। ओके, तो पहले हम ISO पर जाएंगे, उसके बाद हम ISO को इनक्रीज़ करेंगे। पहले 800 तक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो ये देखिए अभी सब्जेक्ट हमें दिख रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो फिर से हम ISO को इनक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए 1600, उसके बाद 3200, तो इतना हम रखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो ये देखिए अभी हमें सब्जेक्ट परफेक्ट दिख रहा है, तो उसके बाद आप फोटो ले सकते हो। तो ये देखिए ओके, तो ये देखिए हमने फ़ोटो ले ली है और ये फ़ोटो ब्लर भी नहीं है। तो लो लाइट कंडीशन में आपको शटर प्रायोरिटी मोड का यूज़ करना है। हाँ, एक और बात, अगर आप ISO को इनक्रीज़ करते हो तो आपके फ़ोटो में नॉइज़ बढ़ जाएगा, लेकिन उस नॉइज़ को आप नॉइस रिडक्शन की हेल्प से रिमूव कर सकते हो। आपकी फ़ोटो ब्लर हो जाए उससे अच्छा ये है कि आपकी फ़ोटो में नॉइज़ ज़्यादा आए, तो नॉइज़ को तो आप रिमूव कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर है तो मैंने जैसे बताया वैसे आपको शटर प्रायोरिटी मोड का यूज़ करना है। तो शटर प्रायोरिटी मोड में मैंने जो सेटिंग बताया वो सेटिंग आप यूज़ करोगे तो आपका फ़ोटो कभी भी ब्लर नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।